हेलो गाइस, टुडे वी आर स्टडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फर्स्ट यूनिट है फोर्थ सेम CSBS के सिलेबस का। सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखना चाहेंगे। पहला चीज़ तो ये कि CSBS में जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन है और जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पढ़ाई होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहली चीज़ तो ये कि इसमें जो लैब एक्टिविटी गिवन है हमारे हमें या आपको आपके में गिवन होगी जो लैब एक्टिविटी वो लिनक्स के ऊपर है बस ये एक डिफरेंस है। और एक डिफरेंस ये है कि इसमें जो भी टॉपिक्स गिवन है CSBS के सिलेबस में और जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टॉपिक्स गिवन होते हैं उनमें ये डिफरेंस है कि इसमें टॉपिक्स काफ़ी सेग्रीगेटेड वे में है। जैसे इंट्रोडक्शन है, प्रोसेसेस है, थ्रेड्स है, CPU शेड्यूलिंग ये एक यूनिट होता है, फिर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स ये एक यूनिट होता है, फिर हार्डवेयर एक यूनिट, फाइल एक यूनिट, डिस्क एक यूनिट, इस टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, पर इसमें काफ़ी सेग्रीगेटेड है। तो आप इसे यूनिट्स हम इसे नहीं बोलेंगे कि ये एक यूनिट हो गया, दो यूनिट हो गया, तीन यूनिट हो गया, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हम इसे डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे। अगर हम एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि CS वाले सीख रहे हैं, ये हम कुछ अलग सा नहीं करेंगे, कुछ एडवांस नहीं पढ़ेंगे, बस काफ़ी डीप डाइव करेंगे इन सब चीज़ों में कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम और क्यों हम पढ़ते हैं। और मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है CS में या आपने कंप्यूटर साइंस लिया है, कंप्यूटर साइंस आपने लिया होगा तो आपको पसंद होगा कंप्यूटर साइंस, आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होगा, तो आपके लिए ही ये यूनिट है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है इसे कि ये आपका पैशन है। मैं भी इस तरह से पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा पैशन है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल जो हर टीचर पूछता है, मैं तो टीचर नहीं हूँ पर मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ, मेरे से पहला सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने मैंने बचपन में पढ़ा था और जितने जो सब पढ़ते हैं, कॉमन डेफिनेशन हम सब बोलते हैं, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली एक यूज़र और एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर जैसे जैसे मैंने पढ़ाई की, जैसे जैसे मैंने समझा ऑपरेटिंग सिस्टम को, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, मैंने बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ ये नहीं है। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है ही नहीं। हर इंसान के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग रोल है। अगर मैं जब मैं एक बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तो मेरे लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कोई विंडोज़ होगा। जब मैं विंडोज़ XP यूज़ करता था बचपन में या विंडोज़ 7 यूज़ करता था, तो उसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करता था? जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंट यूज़ करता था या नोट पैड यूज़ करता था या वर्ड यूज़ करता था। फिर जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर मैंने गेम्स खेलना शुरू कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम पे, फिर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा गेम्स की तरह यूज़ करता था, गेम्स खेलने के लिए यूज़ करता था। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर मैंने वर्ड पावर पॉइंट बनाना सीखा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, पावर पॉइंट कैसे बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मैंने कोडिंग सीखी। इस तरह से जैसे जैसे अभी मैं जब प्रैक्टिस में जाऊंगा, जब आप लोग प्रैक्टिस में जाओगे, जब आप लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, तो आप लोग ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ना कि कोडिंग के लिए यूज़ तो करेगा ही करोगे, साथ में आप खुद ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिज़ाइन करोगे। ये भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से डिज़ाइन करोगे, ये भी करोगे आप आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो ये सब जो हम तो इसके मतलब ये सब जो हम कर रहे हैं और इसके हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली इसका डेफिनेशन कोई है ही नहीं, कोई फिक्स डेफिनेशन है ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजर, वो बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स प्रोग्राम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, या बाद में बताऊंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। बस तो समझो कि एक बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में, उन सबको कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ यूटिलिटी टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसे हम समराइज करके बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ गवर्नमेंट। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक गवर्नमेंट ही तो है। हम क्या करते हैं, अगर हमें
हमें कुछ चेंज लाना है, जैसे हमें रोड बनवानी है अपने बाजू में, तो क्या हम सीधा रोड वाले कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं? नहीं, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम पहले अपने लीडर को सुनते हैं, अपने नेता को सुनते हैं, और उस नेता के थ्रू हमारे सारे काम होते हैं। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट हुई, ये जो जो गवर्नमेंट में अगर वो होगा, तो ये जो गवर्नमेंट हुई एक इंटरफेस ही तो कहलाएगा हमारे और उस जो हमारा जो काम होने वाला है, काम क्या होने वाला है, जो रोड सड़क बनने वाली है उसके बीच में इंटरफेस क्या हुआ, उसके बीच में इंटरफेस एक गवर्नमेंट हुआ। तो क्या गवर्नमेंट की तरह ही एक्ट नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम? इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते तो हो, पर क्यों पढ़ते हो, कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, तो आप ये मेंशन कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की तरह आप उससे एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि गवर्नमेंट जैसे हमारे हमारे और जो भी प्रोसेसेस हमें करवाने होती है उसके बीच में आते हैं, तो मतलब एक तरह से इंटरफेस की तरह काम करती है। कुछ कुछ टेक्निकलिटीज में चलते हैं हम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने VNA, हमने COA में पढ़ा होगा, VNA क्या होता है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब इस पे भी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उस पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ VNA की बात करेंगे, VNA वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बात करेंगे। मैं थोड़ा बता दूं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता क्या है। बेसिकली एज पर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑल सेक्शन स्टोरेज डिवाइसेज आर इन द पार्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। बेसिकली ये है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, आप देखा होगा आपने ये डायग्राम, इनपुट आउटपुट रहता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी रहते हैं। इसमें काफ़ी कॉमन सवाल ये आता है कि ये मेमोरी ये कौन सी मेमोरी है, ये है प्राइमरी मेमोरी, ये रैम है। अगर हम जिस मेमोरी को डिनोट करते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में वो रैम होती है। बहुत अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर ये रैम होती है तो इस डायग्राम में सेकेंडरी मेमोरी कहाँ पर है, हार्ड डिस्क कहाँ पर है? उसका आंसर है हार्ड डिस्क इनपुट आउटपुट स्टोरेज में होता है। हम इसे डिनोट नहीं करते अलग से, हार्ड डिस्क के लिए कोई जगह नहीं बनाते, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल रहता है कि इनपुट आउटपुट स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क इसके अंदर होगा, इनपुट आउटपुट के अंदर। नेक्स्ट, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या सिखाता है, आपको थोड़ा रिकॉल करा लूँ। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमें सिखाता है दो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट और सेकेंड कॉन्सेप्ट है सिक्वेंशियल फ्लो। मैं इसके बाद बताऊंगा कि ये सब क्या होते हैं, सब चीज़ें क्या होती है। उससे पहले हम बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल रहता है कि हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा है पर और भी आर्किटेक्चर होते हैं क्या? हाँ होते हैं, हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है, रियल टाइम आर्किटेक्चर होता है, मोबाइल फोन आर्किटेक्चर होता है। यानी कि अगर आप मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन में जो भी OS यूज होता है, स्नैपड्रैगन वगैरह, मीडिया टेक, हीलियो टेक, जो भी यूज होता है वो मोबाइल फोन का अलग आर्किटेक्चर होता है। उसमें ये इनपुट आउटपुट हार्ड ड्राइव के अलावा उसमें एक सेक्शन होता है पावर कंजम्पशन, बैटरी भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट सी, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर के CPU कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। आई थिंक इट्स क्लियर कि हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको मोबाइल आर्किटेक्चर पढ़ना है तो आप मोबाइल OS में हम लोग जाएंगे, उसमें जो बैटरी कंजम्पशन आ जाएगा, उसमें हमारे पास पावर कंजम्पशन आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। पर अभी हमें सिर्फ कंप्यूटर आर्किटेक्चर या वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर बात करनी है। नेक्स्ट चीज़ है कि CU क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि CU क्या होता है तो इसका जवाब ये है कि CU में ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम आता है। तो CU में टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स, टाइमिंग हमने पढ़ा होगा COA में, कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उस टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल्स को कंट्रोल करने में, कोई भी प्रोसेस को टाइमिंग के हेल्प से इसको प्रोसेस करने में कंट्रोल यूनिट का काम आता है। सीक्वेंसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, व्हाट इज माइक्रो ऑपरेशंस, ऑपरेशंस दैट आर कैरिड आउट ऑन द डेटा स्टोर्ड रजिस्टर। कोई रजिस्टर कंपोनेंट में जो भी डेटा, जो भी ALU, लेट्स सपोज ए और बी, ये इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, पहले एक रजिस्टर में गया, उसके बाद बी एक रजिस्टर में गया और इन दोनों का रिजल्ट को हम एक तीसरे रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं। तो ये रजिस्टर में जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये सारे प्रोसेस रजिस्टर में हो रहे हैं। तो जो भी प्रोसेस रजिस्टर में होता है, जो भी माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, जैसे A+B माइक्रो ऑपरेशन है, इसे बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन। और सिक्वेंशियल या एग्जीक्यूशन, इसका एग्जीक्यूशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है और ये काम CU के हेल्प से होता है। अब देख लो कितना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा, फिर हमने कंट्रोल यूनिट पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नहीं मतलब नेक्स्ट क्या है, मेमोरी। मेमोरी इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जैसे A A+B, तो पहले हम रजिस्टर में B को लोड करते हैं, फिर हम लोड करते हैं रजिस्टर C में C को लोड किए, फिर हमने ऐड किया, फिर हमने स्टोर किया। तो इस प्रोसेस, इसी को हम लोग माइक्रो ऑपरेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब फिजिकल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी मीन्स ऑक्सिलरी मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड पोर्टेबल डिस्क और DVDs। तो ये तो पता ही है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है या नॉन वॉलेटाइल होती है,
प्राइमरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो फास्टर होता है, 10^-9 होता है, नैनो सेकेंड्स में होता है, पर सेकेंडरी मेमोरी का 10^3 में होता है, मिली सेकेंड्स में होता है। प्राइमरी मेमोरी स्मॉलर इन साइज होती है और ऑक्सिलरी मेमोरी या हार्ड डिस्क मेमोरी, हार्ड डिस्क जो होती है वो लार्जर इन साइज होती है। ऑक्सिलरी मेमोरी मीन्स कि जिसका कोई साइज हमारा पास फिक्स नहीं है, आज के आज हमारे पास 1 TB की हार्ड ड्राइव है, कल हमारे पास 10 TB का हार्ड ड्राइव होगी, तो उसे हम उतना बढ़ा सकते हैं। ऑक्सिलरी मीन्स यही होता है कि जिसका कोई फिक्स नहीं है, पर हमारे पास अभी 2 GB का रैम है, तो हम भले ही उसको 4 GB का रैम करेंगे पर वो 4 GB का रैम कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, वो सेम 4 GB की रैम नहीं होगा, या तो हमें उसमें कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और काफ़ी ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, हाउ आर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब हम इस पे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि प्रोग्राम्स वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, यानी कि किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। अब ये आपके फंडामेंटल्स सिखा देगा, अगर आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स का आइडिया हुआ तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो लेट सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं test.c, हमने सी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत जानते होंगे, हम जानते ही होंगे, तो उम्मीद कर तो करता हूँ जानते होंगे। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, कुछ उसको भी प्रोग्राम बनाया हमने सी प्रोग्रामिंग पे, और उसे सेव कर दिया test.c पे। यहाँ तक हम कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ इसे प्रैक्टिकली इमेजिन करें, हमने एक प्रोग्राम बनाया अपने लैब में, अपने पीसी में, test.c से उसे सेव किया, हमने उसको रन किया। पहले उससे कंपाइलर क्या करता है, पहले इस test.c में एक एक लाइन चेक करेगा, कंपाइल करेगा, सॉरी एक एक लाइन मतलब कंपाइल करेगा, उसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, सिंटेक्स एरर कुछ तो नहीं है, वो कंपाइलर चेक करेगा। उसके बाद जब कंपाइलर चेक करेगा उसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं होता, कंपाइलर का इतना ही काम है सिंटेक्स एरर चेक करना, चेक कर लिया, फिर क्या होगा, फिर ये .c फाइल .exe फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। डन, .c फाइल .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लेट सपोज जो सी फाइल था उसमें हमारे पास 10 इंस्ट्रक्शंस थे, हमने जो प्रोग्राम बनाया था सम का होगा, प्रोडक्ट का होगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी हो सकता है, बहुत ऐसे ऐसे 10 इंस्ट्रक्शंस थे एक प्रोग्राम में, हमने जो test.c का प्रोग्राम बनाया था। और जब उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा तो हमारे पास i1 i2 i3 i4 i10 तक रहेंगे, यानी कि 10 इंस्ट्रक्शन अभी भी रहेंगे। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम .exe फाइल, ये जो पूरी फाइल है इसे उठाता है और अपने रैम में डाल देता है। अभी ये कहाँ स्टोर था, अभी ये स्टोर था अपने हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में स्टोर था, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर था, यानी कि यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस में स्टोर था। पर अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, इसके हार्ड ड्राइव से उठाया और मेन मेमोरी में डाल दिया। मेन मेमोरी में किसको डाला, test.exe फाइल को डाला, एग्जीक्यूटेबल फाइल को डाला। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो जैसे इंस्ट्रक्शन वन था, इंस्ट्रक्शन वन लेट्स सपोज सम का इंस्ट्रक्शन था, तो इंस्ट्रक्शन वन अब यहाँ से निकलेगा और सीपीयू में रन होगा, सीपीयू में इंस्ट्रक्शन वन रन होगा, और जब इंस्ट्रक्शन वन खत्म हो जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, फिर इंस्ट्रक्शन टू जाएगा, इसी तरह से इंस्ट्रक्शन थ्री जाएगा, इसी तरह से इंस्ट्रक्शन 10 जाएगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली जाएगा, इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली जाएगा। और बहुत एक और जरूरी पॉइंट ये है कि एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप इसमें देख सकते हो कि एक बार में सीपीयू कितने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है, एक बार में सीपीयू बस एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है। आई वन पहले गया तो बस आई वन प्रोसेस हो रहा है, आई वन के साथ तो आई टू प्रोसेस नहीं हो रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि सीपीयू एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। वही लिखा हुआ है, सीपीयू कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्क, हार्ड डिस्क से डायरेक्टली सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं कर सकता प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली, यानी कि पहले i1 फिर i2 फिर i3 ऐसे करते करते i10 तक। सो जो ये जो सीक्वेंशियली जो रन होता है, और ये जो हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफर किए, क्या किए, सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल था उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से मेन मेमोरी में ट्रांसफर किए, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये जो स्टोरिंग इन मेन मेमोरी है इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। पहले इसे स्टोर करके रन करने को इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, और ये जो सीक्वेंशियल फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं सीक्वेंशियल फ्लो। तो अगर आपसे कोई आगे जाके COA में या किसी भी इंटरव्यू में या किसी वाइवा में पूछे कि कैन यू प्लीज एलेबोरेट अबाउट, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड व्हाट आर इट्स कंसिक्वेंसेज, और कैन यू प्लीज हेल्प मी टू एक्सप्लेन द प्रोग्राम टू बी नीड टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, तो हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के, दैट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वर्क्स ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इट इट हैज सिक्वेंशियल फ्लो। डन। नेक्स्ट है जैसे यूजर है, हमारे पास यूजर है तो यूजर से ओएस के थ्रू एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। ओएस अपने कुछ से कुछ L1 L2 यानी कि कुछ इंटरफेस या इनपुट डिवाइस लेगा, लेट्स सपोज माउस और कीबोर्ड है, यहाँ से कुछ लिया, फिर हार्डवेयर को सप्लाई किया, फिर हार्डवेयर से ओएस ने वापस यूजर को दिया। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये गैल्विन गैल्विन बुक है उस पर ये एग्जाम्पल गिवन था, आप पढ़ सकते हो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, गैल्विन गैल्विन बुक का नाम है गैल्विन। इसे बाइबल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, आप इसे रेफर कर सकते हो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो, या इंटरेस्ट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो यूज़र प्रोग्राम, तो अगर हमारे पास इसको हम एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम माने, फ्लो डायग्राम नहीं है मतलब बेसिकली इसको अगर हम एक डायग्राम माने तो इसमें हम इसको कैसे रिव्यू कर सकते हैं, तो जो फर्स्ट लेयर है ये यूज़र प्रोग्राम है, यानी कि ये एक कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, ये डॉट डॉट कितने भी कंप्यूटर, एन कंप्यूटर, तो ये एन यूज़र्स बैठे हुए इसमें कंप्यूटर में, ठीक है। अब ये जो एन यूज़र्स है ये पहले किससे इंटरेक्ट करेंगे, पहले इंटरेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं, ये पहले इंटरेक्ट करेंगे यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस से। पहले यूज़र जो होता है डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कभी नहीं करता, वो इंटरेक्ट करता है यूज़र ओएस इंटरफेस से, जिसको हम लोग कमांड इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, जिसको शेल भी बोलते हैं, जिसको जीयूआई भी बोलते हैं, जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जब आपने लिनक्स का प्रोग्रामिंग किए होंगे या कोई भी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रोग्रामिंग किए होंगे, सिस्टम कॉल्स रन किए होंगे, तो आपको कुछ इस टाइप का कुछ सिंबल दिखता होगा, सी ड्राइव से कनेक्टेड रहता है रूट फाइल से, और यहाँ पर आप कोडिंग करते हो, तो ये जो आप करते हो ये जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट या ये जो कमांड इंटरप्रेटर यूज़ करते हो यही होता है यूज़र और इंटरफेस का, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का इंटरफेस। और इसमें जो आप कमांड लिखते हो वो कमांड फिर ओएस में जाता है, और फिर जब वो ओएस के बाद फिर वो हार्डवेयर में इंप्लीमेंट होता है, फिर हार्डवेयर से जो इनपुट आता है फिर ओएस में आता है, फिर ओएस के बाद वो इसमें दिखता है। क्लियर? तो ये एक बेसिक सा फंडामेंटल टॉपिक है जो समझ सकेंगे आप। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं कि ओएस क्या क्या मैनेज करता है, ओएस क्या क्या है, फंक्शंस क्या है, ओएस के गोल्स क्या है। तो आई थिंक नेक्स्ट कितना टाइम हो गया, 17 मिनट्स, आई थिंक वी कैन डिस्कस इसे, चलो ख़त्म कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो ख़त्म कर देते हैं इसे। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ कुछ चीज़ें करता है, जैसे प्रोसेस को मैनेज करता है इज अ प्रोसेस मैनेजर, मेमोरी मैनेज करता है इज अ मेमोरी मैनेजर, फाइल मैनेज करता है, डिवाइस मैनेज करता है, प्रोटेक्शन मैनेज करता है। आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल है, ये 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स है, ये तो इजीली याद हो जाएगा, प्रोसेस मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, फाइल मैनेजर, डिवाइस मैनेजर, प्रोटेक्शन मैनेजर, बहुत आसान है। पर मैं आपको बता दूँ प्रोसेस मैनेजर मैनेज कैसे करता है, इस पर एक यूनिट पढ़ने हैं हमें, मेमोरी मैनेज पे एक यूनिट पढ़नी है, इस पर एक यूनिट पढ़नी है, इस पर एक यूनिट पढ़नी है, इस पर एक यूनिट पढ़नी है, मतलब बेसिकली ये अपने आप में यूनिट है जो अभी हमें आगे पढ़नी है डिटेल में। तो ये तो बस एक ओवरव्यू हो गया आपको कि आपको पढ़ना क्या है, अपने ये पढ़ लिया कि कैसे मैनेज करता है, हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मैनेज करता है, ठीक है। कर्नल क्या होते हैं, कर्नल लिखा हुआ है, बेसिकली कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करता है, जो भी कमांड्स होते हैं उसे कर्नल कमांड्स बोलते हैं। दो तरह के कमांड्स होते हैं, यूज़र कमांड्स और कर्नल कमांड्स। यूज़र कमांड्स वो कमांड्स होते हैं जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, और कर्नल्स कमांड वो कमांड्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होते हैं, मतलब प्री होते हैं, उसके पास प्री डिफाइंड रहते हैं, और वो कमांड्स प्रिविलेज होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ कि डिफरेंस क्या होता है, अगर मेरे पास है, अगर आपके पास आप कोई मशीन हो, यानी कि आप चलो मान लो कि आप ओएस हो, ठीक है, ये कलर नहीं अच्छा है, यस ये थोड़ा, आप मान लो ओएस है, ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपको मैंने दो कमांड्स दिए, पहला कमांड था यूज़र कमांड, वो कमांड ये बोलता था कि आप खाना खा लो, या तो खाना खा लो, यस पहला कमांड बोलता था खाना खा लो। दूसरा कमांड था ओएस कमांड, यानी कि प्रिविलेज कमांड, यानी कि कर्नल कमांड मान लो, ठीक है,
मैंने आपको कर्नल कमांड दिया, चलो ओएस कमांड दिया, या सिस्टम कॉल भी बोलते हैं इसे, या कर्नल कमांड दिया, चलो ठीक है ये दे दिया आपको, और ये कमांड था स्टडी कर लो, पढ़ाई कर लो। एज सच अगर आप खाना भी खा रहे हो, खाना आपका आधा खत्म हो चुका है, 50%, चलो 75% भी खाना खत्म हो चुका है आपका, तो भी आप इसको रोक के पहला पढ़ाई करोगे। ये होता है फायदा कर्नल मोड का, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल कमांड का। कर्नल कमांड आर द प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कर्नल कमांड क्या होता है। कर्नल कमांड बेसिकली वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसके थ्रू कोई भी प्रोसेस हो, अगर हम उसे सस्पेंड कर देते हैं और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं जो कर्नल कमांड है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर वो एलोकेशन करता है, डीएलोकेशन करता है, प्रोडक्शन करता है फ्री रिसोर्सेज को, फिर हार्डवेयर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फंक्शंस एंड गोल्स, फंक्शंस एंड गोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, ओएस के, ठीक है। पहला है कन्वीनियंस, यूजर फ्रेंडली है, इफिशेंसी, इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबल है, काफ़ी भरोसेमंद है, मतलब भरोसेमंद क्या होता है, बेसिकली हमें हमारे बहुत काम आता है। और नेक्स्ट इज रॉबस्टनेस। रॉबस्टनेस मीन्स अगर उसमें कुछ एरर्स भी आ गए तो क्या, अगर उसमें कुछ एरर्स भी आ गए तो वो स्ट्रॉन्ग इनफ कैपेबल है कि वो कुछ एरर्स को बेयर कर सके, यानी कि एकदम से क्रैश नहीं कर जाएगा। कुछ एरर्स भी आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम में तो रोबस्टनेस मतलब यही होता है कि इसकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कुछ एरर आ जाए तो वो एटलीस्ट कुछ एरर्स को बेयर कर सके, वो एकदम से क्रैश ना कर जाए। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी, दैट मस्ट बी स्केलेबल। अगर उसमें एबिलिटी टू इवॉल्व होनी चाहिए, मतलब हर बार कुछ अपडेट्स आने चाहिए उसमें। फिर पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी मीन्स तो मल्टीपल विंडो, मल्टीपल इंटरफेसेस में रन करे, या मैं बोलूँगी बहुत सारे, मतलब लिनक्स में रन करे, विंडोज में रन करे, इस टाइप का कुछ कर रहे हैं तो उसके गोल्स हैं। एक उसमें काफी चीज, एक गेट में भी सवाल आया था एक, कि अगर प्राइमरी मेमोरी इज द गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि प्राइमरी और मेन मेमोरी नहीं है, प्राइमरी या मेन गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इन सब गोल्स में से आप बताओ, इन सब गोल्स में से ये जो गोल्स है इसमें सबसे प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का। सबसे प्राइमरी गोल इसका आंसर है कन्वीनियंस, पर सब बोलेंगे कन्वीनियंस है, क्यों? क्योंकि कन्वीनियंस अगर हम बात करें पर्सनल कंप्यूटर में, अगर ये मल्टीपल चॉइस होता तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है तो फिर इसका आंसर क्या होगा, पर पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं उसमें कन्वीनियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। पर जो रियल टाइम होता है, जैसे कि सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी टावर्स, जो सैटेलाइट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो एटीएम ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उन सब में हमें यूज़र इंटरफेस से ज़्यादा ज़रूरी होता है इफिशियंसी। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स, कन्वीनियंस होता है पर्सनल कंप्यूटर्स में, पर कन्वीनियंस इज नॉट प्राइमरी गोल फॉर ऑल अदर कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटीएस के लिए इफिशियंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑपरेट्स इन रियल टाइम, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होते हैं इसमें, कि अगर हमें डेटा अभी चाहिए तो हमें अभी ही मिलने चाहिए, कुछ डिले नहीं हो सकता। जैसे मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट, न्यूक्लियर, एटीसी, और मतलब कंट्रोल सिस्टम, ये हार्डवेयर, ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, यानी कि इसके पास, इनके पास स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती है। अगर आप सोचो कि अगर मिसाइल 1 सेकेंड भी लेट हो गया तो फिर क्या होगा, 1 सेकेंड की कैलकुलेशन कितनी ज़रूरी है, तो इसके इसलिए इसके डेडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। कुछ और भी होते हैं, जैसे एटीएम, एटीएम एक सॉफ्ट आरटीएस है, यानी कि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है, नॉट स्ट्रिक्ट, बट मतलब उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ पैसे निकाल भी रहे एटीएम से, तो एटीएम भले हमें 5 मिनट का डिले होगा लेकिन पैसे जरूर देगी, तो वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं, इसलिए हम उसे सॉफ्ट आरटीएस में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये होगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने तरह के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे यूनी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और फिर हम शुरू करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग और प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव चीज़ें नेक्स्ट क्लास से। काफ़ी एक्साइटिंग क्लास रहेगी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी, रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो मैंने इसी क्लास में पढ़ाया इससे आप समझ लो कि किस्मत अच्छी रही तो 2 सवाल आ जाएगा, किस्मत बुरी रही तो 1 सवाल आएगा, तो वो आप रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत जल्द करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।